गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को एक बार फिर कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 17 संचार तंत्र, जिसके अपने 7 वीडियो पढ़े, अलग अलग लेसन कंप्लीट हो गया है। आज कुछ सवाल करेंगे अपने, जो वीडियो था 7 नंबर उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आयाम सूचकांक है उसका मात्रक क्या होगा। तो आयाम सूचकांक कैसी राशि है, मात्रकहीन और विमाहीन। तो काफ़ी बच्चों ने आंसर भेजा है मात्रकहीन राशि है, बिल्कुल सही। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। काफ़ी टाइम मिला है आपको, अभी खूब टाइम है, आप पढ़ते रहें। परीक्षा आपकी पक्की होगी जुलाई के अंदर, इसलिए आप अच्छे ढंग से तैयारी करें। आज अपने क्वेश्चन लेके आए हैं कुछ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में किस वेग से गमन करती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा, और कितना होगा, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एक नंबर का, इसलिए अच्छे ढंग से आपको याद रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निर्वात में किस वेग से गमन करेगी, प्रकाश के वेग से, और प्रकाश का वेग कितना है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए आयन मंडल के अपवर्तनांक पर पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी विद्युत चुंबकीय तरंग ऊपर जा रही है तो अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपवर्तनांक को अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग आयन मंडल के अपवर्तनांक, आयन मंडल से जैसे जैसे आगे गुजरेगी, जाएगी आयन मंडल के अंदर जा रही है, यानी पृथ्वी तल से ऊपर जा रही है, वैसे वैसे उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है 2018-19 के अंदर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायग्राम के थ्रू अपने इसको पढ़ा था। क्वेश्चन क्या है कि एक्स अक्ष की दिशा में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश यानी ई सदिश के कंपन वाई अक्ष की दिशा में है, तो बी सदिश के कंपन किस अक्ष के समांतर होंगे। बी सदिश यानी चुंबकीय क्षेत्र सदिश। तो अपने इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया था, बहुत ही आसान सा चित्र था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्वेश्चन आप साथ के साथ वीडियो को रोककर नोट करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार से गमन करती है, ये है वाई अक्ष और एक विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार से गतिमान है। इसमें ये जो क्षेत्र लिया है अपने, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र यानी ई सदिश है। ई सदिश कहाँ पर है, एक्स अक्ष की दिशा में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के ई सदिश के कंपन वाई अक्ष की दिशा में है, और तरंग कहाँ पर जा रही है, एक्स अक्ष की दिशा में। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी वो कहाँ पर जाएगी, एक्स अक्ष की दिशा में। ये एक्स कौन सा है, जेड है। अपने से पूछा है कि जो बी सदिश है यानी जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश है वो कौन से अक्ष पर होगा, तो कौन से अक्ष पर होगा, जेड अक्ष पर, बिल्कुल सिंपल, कहां पर हो जाएगा, जेड एक्स पर। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, जेड एक्स। ये प्रश्न एक नंबर का आया था कि जो बी सदिश होगा उसके कंपन कौन से अक्ष पर होंगे, तो कहां पर होंगे, जेड एक्स पर। तो ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छे ढंग से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, इंपॉर्टेंट है। अधिक दूरी तक संचरण के लिए किस विद्या का उपयोग किया जाता है। विद्या यानी जो संचार तंत्र के अंदर तरंगों को संचरित करने के लिए अपने 3 अलग अलग विधियां पढ़ी थी, भूतरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण और व्योम तरंग संचरण। तो अधिक दूरी तक अपने तरंगों को संचरित करना है तो कौन सी विधि का यूज करेंगे अपने, व्योम तरंग का, व्योम तरंग, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इसी के आधार पे व्योम तरंगों के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर यानी दूर तक संकेतों के प्रसारण हेतु आवृत्ति सीमाएं क्या होती है। ये थ्योरी के अंदर प्रश्न आया था, फिक्स वैल्यू लिखी थी अपने 30 मेगाहर्ट्ज, तो यहाँ पर अपने को सीमा लिखनी है 1.5 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। फिक्स वैल्यू क्या रहेगी, 1.5 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आपको पता ही है, बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल सिंपल है। संचार तंत्र वह भाग, संचार तंत्र का वह भाग क्या कहलाता है।
जो संदेश को संचार चैनल पर संचरित होने योग्य परिवर्तित कर अभिग्राही को प्रेषित करता है। बहुत ही आसान संचार तंत्र आपने पढ़ा, उसके तीन भाग थे, प्रेषितर, माध्यम और अभिग्राही। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि संचार तंत्र का वह भाग क्या कहलाता है जो संदेश को क्या करेगा, संचार चैनल पर संचरित होने योग्य परिवर्तित करके अभिग्राही को प्रेषित करता है। इसका मतलब अभिग्राही तो नहीं होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रेषितर, ट्रांसमीटर। क्या होगा, प्रेषितर। इनमें से, इन सात क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल से आपने पढ़ा, सूचना संकेत को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, माडुलन। बहुत ही आसान, क्या कहलाती है, माडुलन। तो ये थे सात क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, इनको अच्छे ढंग से आप नोट कर लें, बार बार पढ़ें, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट है अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन अपने ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग में औसत ऊर्जा घनत्व संबंधित होता है केवल ई सदिश से, यानी केवल विद्युत क्षेत्र से, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, ई सदिश वी सदिश के बराबर, और लास्ट है औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व शून्य होता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बराबर। क्वेश्चन नंबर दो, दूर संचार से संबंधित तरंगें होती है, दूर संचार से संबंधित तरंग है अवरक्त, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, प्राबैंगनी। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें। बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर तीन, विद्युत चुंबकीय तरंगें परिवहन नहीं करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसका परिवहन नहीं करेगी, ऊर्जा का, आवेश का, संवेग का, सूचना का। तो यहाँ पर ऊर्जा का परिवहन नहीं होगा, आवेश का परिवहन होगा, संवेग का परिवहन होगा, क्योंकि वेग है इसमें, और सूचना भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भेजती है। क्वेश्चन नंबर चार इंपॉर्टेंट है, यदि ई सदिश से बी सदिश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसके अनुदिश होगी, केवल ई सदिश के अनुदिश होगी, केवल बी सदिश के, ई सदिश क्रॉस बी सदिश और ई सदिश डॉट बी सदिश। तो केवल ई के समांतर नहीं हो सकती, बी के समांतर भी नहीं हो सकती। अब ऑप्शन रह गया स और द, तो यहाँ पर अपने पढ़ा था अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, कि ई सदिश क्रॉस बी सदिश है, और दूसरा इसके बाद में क्या है, ई सदिश डॉट बी सदिश। तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अब ए सदिश और बी सदिश दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग में, ई सदिश और बी सदिश है, दोनों परस्पर लंबवत, थीटा का मान कितना है 90, कोस 90 का मान कितना हो जाएगा 0। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग गतिमान है दोनों अक्षों के परस्पर लंबवत, तो यहाँ पर किसके समांतर होगी, ई सदिश क्रॉस बी सदिश की अनुदिश होगी। तो ये थे चार क्वेश्चन, अच्छे ढंग से इनको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, निम्न में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्ध्य मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। तो अपने पढ़ा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें बहुत से प्रकार की तरंगें थी, तो यहाँ पर है एक्स विकिरण, गामा विकिरण, बीटा विकिरण और अल्फा विकिरण। निम्न में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, गामा, गामा रे। क्वेश्चन नंबर छः, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका मतलब चार जो ऑप्शन दिए गए इनमें से तीन सही होंगे और ये गलत होगा। तो पहला है ई सदिश व बी सदिश, यानी विद्युत क्षेत्र सदिश व चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक स्थान व एक ही समय में मैक्स व मिनिमम मान ग्रहण करते हैं, यानी जब किसी स्थान पर होंगे तो इनका मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ई सदिश और बी सदिश का मान बराबर रहेगा। अगर मान ग्रहण कर रहे हैं तो वो एक ई सदिश ज़्यादा वैल्यू ग्रहण कर रहा है तो बी सदिश का मान भी क्या होगा, मैक्स। अगर दोनों का मिनिमम है तो दोनों ही मिनिमम रहेंगे। तो पहला क्या है इसके अंदर सही, ई सदिश व बी सदिश में ऊर्जा समान रूप से विभाजित होती है, ये भी इक्वल बराबर है, सही है बिल्कुल। तीन नंबर, ई सदिश व बी सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं व तरंग संचरण के लंबवत होते हैं, समांतर नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, लंबवत। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। और चार नंबर क्या है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निर्वात में भी गमन कर सकती है, तो इसका सही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, तीन नंबर, जो इन चार में से गलत है। क्वेश्चन नंबर सात, जो प्री बोर्ड में अपने प्रश्न दिया था, बहुत ही आसान,
किसके लिए भूतरंगे संभव है? लघु परस्पर कम रेडियो आवृत्ति, ब है लघु परस्पर उच्च रेडियो आवृत्ति, लघु का मतलब कम, दीर्घ यानी बहुत ज़्यादा, दीर्घ परस्पर निम्न रेडियो आवृत्ति, और लास्ट है लघु परस्पर कम रेडियो आवृत्ति। तो इसका ऑप्शन सही क्या आएगा? फर्स्ट ए, जो अपने थ्योरी में पढ़ा है कि लघु परस्पर कम आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे हैं वो भूत रंगों के संचरण के लिए संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। एक टीवी टावर की हाइट यानी ऊंचाई एच मीटर है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर मीटर है, तब टीवी प्रसारण के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल अपने से पूछा है कि जो टीवी का जो एंटीना है या टावर है वो कितने क्षेत्रफल तक तरंगों को संचरित कर सकता है, तो ये आ जाएगा 2πRH, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर की तुलना में जो एच का मान है बहुत ही कम है। 9 नंबर क्वेश्चन, संचरण के किस तरीके के द्वारा रेडियो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है? तो पहला है भूतरंग संचरण, 2 नंबर आकाश तरंग संचरण, 3 नंबर अंतरिक्ष यानी व्योम तरंग संचरण, वो लास्ट इसका है द सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी द आ जाएगा इसका, तीनों ही प्रकार है ये तरंग संचरण के। क्वेश्चन नंबर 10, 2 दिन पहले अपने पढ़ा है, एक आयाम मांडुलित तरंग में अधिकतम आयाम 10 वोल्ट वे न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट है, तो मॉडुलन सूचकांक क्या होगा? तो मॉडुलन सूचकांक का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, म्यू बराबर ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। तो यहाँ पर ए मैक्स कितना है? 10, ए मिनिमम कितना है? 2, तो माइनस आ जाएगा 2, बटा में आ जाएगा 10 प्लस 2 यानी 8/12, और इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 2/3 कितना जाएगा? 2/3, तो सही आंसर कितना जाएगा? 2/3 यानी पहला सही है। इसके बाद में है अति मांडुलित तरंग का मॉडुलेशन गुणांक कितना होगा, ये आज का प्रश्न है अपना। अति मांडुलित तरंग का मॉडुलेशन गुणांक क्या होगा, ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। तो ये क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, एक प्रश्न आपको मैंने आपको दिया है करने के लिए। मंडे को आपका टेस्ट है, आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार 2 दिन आपके पास हैं, तो आपको 3 लेसन पहले मैंने बताए थे आपको, आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने, पहला और लास्ट वाला 17वां, यानी पहला और 17वां 2 चैप्टर आपको पढ़ने छंग से, और पहला भी कंप्लीट नहीं, जितना कल तक हो जाएगा एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस चल रहा है उसके अंदर जितना आपने करेंगे उतना आपको पढ़ना है। तो आज इतना ही, पढ़ते रहें आप, थैंक यू, धन्यवाद।